तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि NX80 का टच ऑटो फोकस सिस्टम और जो ऑटो फोकसिंग अंदर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस को शूट करते समय पे। मैंने बहुत बार देखा है जिन लोगों ने ये कैमकॉर्डर लिया, उनका हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि इसका टच ऑटो फोकस कैसे स्टार्ट किया जाए और इसके ऑटो फोकस की कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, उसको कैसे समझा जाए। तो इस वीडियो में मैं पूरा एलैबोरेशन देने वाला हूँ इसके ऑटो फोकस के टूर का। इसके साथ ही मैं, जब ये बॉक्स में पैक्ड आता है तो इसका ऑटो फोकसिंग टच वाला स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कैसे इसे ऑन करें। तो ये भी बताएंगे कि टच ऑटो फोकस जब आप फर्स्ट टाइम कैमरा लेते हो तो उसे कैसे आप अपने कैमरा में ऑन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और साथ ही में फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और जानेंगे कि कैसे आप अपने ऑटो फोकसिंग को सेट कर सकते हैं अगर आप NX80 कैमकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं। तो जब कैमकॉर्डर आता है तो इसका जो टच फोकस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होता है, आपको उसे ऑन करना होता है। उसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली मेन्यू में जाना होता है, और यहाँ पे डिस्प्ले सेट वाले मेन्यू में आकर के आपको फेस AF फ्रेम्स को ऑन करना होता है, साथ ही में फेस डिडक्शन AF एरिया को भी आपको ऑन करना होता है। फिर जैसे ही आप मेन्यू के बटन को फिर से हिट करेंगे, मेन स्क्रीन में जाएंगे, तो आपको जो ग्रीन ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे चलते हुए। इसका मतलब है जो आपका फेस डिडक्शन ऑटो फोकस है वो स्टार्ट हो गया, जो 273 ऑटो फोकस पॉइंट है स्टार्ट हो गया। तो आपको सिंपली आप जहाँ पर भी फोकस करना है आपको टच करना है। जैसे अभी कार के ऊपर आपको दिख रहा होगा फोकस है, अब जैसे मैं पीछे फोकस करूँगा लाइट्स के ऊपर तो मेरा जो फोकस है वो पीछे लाइट्स पे चले जाएगा। वापस मैं फिर से टच करूँगा तो मेरा जो फोकस है सब्जेक्ट के ऊपर यानी फ्रंट वाली कार के ऊपर आ जाएगा। तो बहुत सीमलेस ट्रांजेक्शन देता है, ट्रैकिंग देता है फोकस के ऊपर, और स्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने सब्जेक्ट को लगातार फोकस में रखने की। फिर हम लोग चलते हैं इसमें एक और जो ऑप्शन दे रखा है वो है लॉक ऑन का। तो मैं कैमरा सेट में आता हूँ, यहाँ पे लॉक ऑन AF को आप अगर ऑन करेंगे तो फिर ये सब्जेक्ट को लगातार ट्रैक भी करता है। तो अब जैसे ही मैं कार के ऊपर टच करूँगा तो आप देख सकते हैं बॉक्स बना आ गया है, इसका मतलब है कि आप ये सब्जेक्ट को लगातार ट्रैक करेगा। तो अब मैं अगर कार को मूव करता हूँ तो लगातार ये जो है फोकस सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा जहाँ पर भी मेरी कार जा रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब हम लोग गिम्बल पे कैमरा को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे मैं इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि लगातार मैं मेरे सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता हूँ, केवल मुझे टच करने की ज़रूरत है स्क्रीन पे और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ये लगातार ट्रैक करेगा। और कई बार हम लोग रनिंग शॉट लेते हैं, फॉलो शॉट लेते हैं, वहाँ पे भी ये ऑप्शन बहुत काम आता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको सिंपली मेन्यू में जा कर के इसको ऑन करना है, जो कि है लॉक ऑन AF के नाम से आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। फिर हम लोग बात करते हैं एक और ऑप्शन की, जो कि है आपका फोकस ड्राइव स्पीड। काफ़ी लोग इसे इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, पर ये भी आप ध्यान रखें जब आप कैमरा सेट में आएंगे तो आपको ड्राइव स्पीड के नाम से ऑप्शन दिखेगा, जो ऑप्शन नॉर्मल पे सेट होगा। तो आपको उसको फास्ट पे सेट करना है। फास्ट का मतलब है कि आपका जो फोकस है वो बहुत सारा फास्ट तरीके से स्विच हो सब्जेक्ट के ऊपर, फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स करे आपके सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसे आप ऑन कर सकते हो। फिर इसके बाद फोकस सब्जेक्ट ट्रैकिंग है, तो यहाँ पर आप इसे वाइड रख सकते हो और सब्जेक्ट स्विचिंग को रिस्पॉन्सिव रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने कैमरा में, अगर आप NX80 यूज़ कर रहे हो और Z90 यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके से आप अपने ऑटो फोकस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आप अपने कैमरा में प्रॉपर तरीके से उसे काम में नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप उसे एक बार रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। कोई बग्स आ रहे हैं, कोई और इशू आ रहा है कैमरा में, फोकसिंग सही से नहीं काम कर रहा है, तो आप उसे रीस्टार्ट या फिर रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट आपका अदर्स के अंदर जाकर के इनिशियलाइजेशन के नाम से एक ऑप्शन दिया होगा, तो आप इसे ओके जैसे हिट करेंगे कैमकॉर्डर जो है आपका शटडाउन होगा और रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी अगर ट्राई करके देखिएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है कैमकॉर्डर के साथ में। तो ये एक ट्रबल शूट है, और साथ में मैंने आपको सेटिंग्स बता दी कि अगर आप इसका टच फोकस ऑन करना चाहते हो और फोकसिंग को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहते हो तो ये ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें अगर मन में कोई सवाल या सुझाव है। साथ ही में मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं बहुत सारे अमेजन पे कैमराज के, जो भी अच्छी प्राइस चल रही थी उसके हिसाब से शॉर्ट
आउट करके मैंने वो लिस्ट बना के मेरे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो अगर आप कोई कैमरा देख रहे हैं तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने ऑडियो बुक के भी लिंक दिए हैं, तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री, ज़रूर चेकआउट करिए। अगर आप लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आप एक महीने तक फ्री उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।